हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। जिस मंदिर से दी थी विदाई, जिस मंदिर से दी थी विदाई, जोगन ने वही धुनी रमाई, जोगन ने वही धुनी रमाई। इतनी जल्दी जा रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, पर क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। वसुंधरा राह तक रही होगी। दो चार दिन रुक जाते तो अच्छा रहता। देवर जी, कुछ दिन और रह जाते ना। इतनी जल्दी जा रहे हैं कि हम सब तो ठीक से
सेवा भी ना कर सके आपकी? हाँ हाँ। ये क्या कह रही हैं आप? इन चार दिनों में इतना तृप्त हो गया हूं कि कुछ मत पूछो, बड़ा आनंद आया। एक साथ इतना सत्कार, इतना प्यार तो मुझे कभी भी नहीं मिला था। ये सब तो तुम इनका दिल रखने के लिए कह रहे हो। दिल रखने को नहीं कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं। सच बड़ा सुख मिला है तुम्हारे इस विराट राजमहल में। ईश्वर करे तुम्हारा इस सुखी परिवार और भी फले फूले। ईश्वर से मेरे लिए ही मांगोगे, अपने लिए कुछ भी नहीं? अरे कृष्णा, ईश्वर की कृपा तो सदा मेरे साथ बनी रही है, अब अपने लिए उसे क्या मांगना? एक ब्राह्मण तो अपने सीमित साधनों में ही सुखी रहता है। शिक्षा देना और भिक्षा लेना, इसी में सारा जीवन आनंद से बीत जाता है। बस मित्र, अब आज्ञा दो। तुम्हारे जाने की बात सुनते ही दिल को जैसे धक्का सा लगता है। जी चाहता है तुम्हारे चरणों में लेटकर तुम्हारा रास्ता रोक लूं। इतने दिनों तो रुक गया, अब और कष्ट देना उचित नहीं है। कष्ट तो तुम अभी भी दे रहे हो, इतनी जल्दी बिछड़ कर। अरे तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है, बड़े कठोर हो तुम। इतने भावुक होकर विदा करोगे तो मित्र मैं कदापि जा नहीं पाऊंगा। मुझे और रुकने पर विवश मत करो मित्र। ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही सही, परंतु मेरी एक विनती है। क्या? अपने मित्र को भूल न जाना, अपने हृदय में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। मेरी भी एक विनती है मित्र। क्या? अपने श्री चरणों में मेरे लिए थोड़ी सी जगह हमेशा रखना। नहीं, चरणों में नहीं मित्र, तुम्हारा वास सदा मेरे हृदय में रहेगा। सुदामा को वृंदापुरी तक छोड़ने के लिए रथ का प्रबंध करो। जो आज्ञा। नहीं नहीं, रथ की कोई आवश्यकता नहीं है, और फिर वृंदापुरी की गलियां इतनी तंग हैं कि वहां रथ जा ही नहीं सकता। अच्छा चलो, मैं द्वारिका की सीमा तक तुम्हें छोड़ आता हूं। नहीं नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, रास्ता मेरा देखा भाला है। ईश्वर के नाम का जाप करते करते जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। वसुंधरा राह तक रही होगी। चुन चुन रखती राह पर नित नित नूतन फूल, ये लीजिए खाना। देवर जी, ये कष्ट आपने क्यों उठाया? सेवा को आप कष्ट कह रही हैं?
सुदामा और आपकी सेवा करने की अभिलाषा जाने कब से मन में थी, ये इच्छा आज पूरी हुई है भाभी। वो तो ठीक है, पर मुझे तो भूख ही नहीं लग रही है और ना ही कुछ खाना अच्छा लग रहा है। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं भाभी, थोड़ा सा खा लीजिए। एकदम भूखा रहना उचित नहीं, कहीं तबीयत बिगड़ ना जाए। बच्चों ने खा लिया? हाँ, मैं उन्हें खिला के ही आया हूं। लीजिए आप खाना खाइए, मैं कुएं से पानी लेकर आता हूं। अच्छा। भगवान, मेरे पति इस समय कहाँ हैं? कब घर लौटेंगे? कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे नाथ। धोखा हुआ वसुंधरा बेचारी के साथ, पगला सोच रहा क्या पाया, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। खाली हाथ आया, खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। कैसे दीन दयाल है, कैसे दीनानाथ, पगला सोच रहा क्या पाया, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा। हाँ। अरे ओ ब्राह्मण देवता, अरे मुरली मनोहर तुम। अरे प्रणाम ब्राह्मण देवता। अरे प्रणाम ब्राह्मण देवता। खुश रहो। तुम यहाँ कैसे निकल पड़े? अरे मैं तो अपनी लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ। पूरे 7 दिन हो गए उससे बिछड़े हुए, बस अब अपनी बहेली में बिठा कर ले आऊंगा। आप भी चलिए, आपको आपके गांव तक छोड़ दूंगा। मैं आपके वृंदापुरी गांव से आगे प्रेमनगर तक जा रहा हूँ। अरे वाह, चलिए। पर अब अरे अरे अब अरे ब्राह्मण देवता, आपका सामान किधर है? सामान कैसा भाई, कमाल है, द्वारिकाधीश ने विदाई के समय आपको कुछ भेंट नहीं दिया, आप तो उसे अपना मित्र बता रहे थे। इसी दुविधा में तो पड़ा था, परंतु अरे अपनी दुविधा और चिंता विंता छोड़िए और चलिए हमारी बैलगाड़ी में। हाँ। ये धनवान लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी आन बान दिखाने के लिए धन लुटा देंगे, पर वैसे कुछ मत पूछिए, एक एक पैसा अपने दांतों के तले दबा कर रखते हैं। नहीं नहीं, मेरे श्री कृष्ण ऐसे नहीं है, वो तो दीन दयाल है। अरे काहे के दयाल हैं, दयाल होते तो आपको कुछ देना दिया होता। मैंने मांगा जो नहीं था। मांगने से दिया तो क्या दिया, मित्र को तो बिन मांगे ही समझ लेना चाहिए कि मित्र को क्या चाहिए। और फिर धनवान का मित्र यदि एक गरीब हो तो उस बेचारे के मुंह में जुबान थोड़ी ना होती है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो मुरली, लेकिन
लेकिन लेकिन ये द्वारिकाधीश ने जो किया वो ठीक नहीं किया। अरे उनको कुछ सोचना चाहिए था। आखिर एक ब्राह्मण मनुष्य जन जनार्दन में ज्ञान दान करता है, फिर वो ज्ञान के बदले में धन थोड़ी ना ले सकता है बेचारा। हाँ मुरली मनोहर, तुम्हारी ये बात भी सच है, परंतु असल में मुझे धन नहीं दिया तो मुझको उपकार ही किया। यदि मुझे धन दे देते तो माया के फंदे में फंसा देते। अच्छा किया कि मेरी मुक्ति का मार्ग बंद नहीं किया। अब आप ऐसा कहते हो, ये तो आपकी उदारता है, परंतु सच तो ये है कि संपन्न और धनवान लोगों से गरीब लोगों को मित्रता करनी ही नहीं चाहिए। मैंने कब की मित्रता? उन्होंने ही कहा कि हम मित्र हैं। मित्रता की पहल उन्होंने की थी, मैंने तो उन्हें उसी बल समझा दिया था। तब उन्होंने क्या कहा था? कहा था, मैंने मित्र कहा है ना, सुमित्रता का उत्तरदायित्व निभाना भी मेरा ही काम होगा। कभी आवश्यकता आ पड़ी तो इस मित्रता को मैं ही निभाऊंगा। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे मित्रता की परीक्षा मैं कभी नहीं लूंगा। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं? छी 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 छी, ये निभाई मित्रता? ऐसी मित्रता निभाई जाती है? आप जाने भी दो। अरे क्या जाने दो, अरे ब्राह्मण देवता आप ही अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए कि जो उन्होंने किया वो ठीक किया। हाँ बोलिए। ठीक तो नहीं किया, परंतु मैं उसमें उनका कोई दोष नहीं समझता। यदि मैं मानता और वो ना देते तब तो मैं उन्हें दोषी भी समझता, परंतु मैंने तो उनसे मांगा ही नहीं था। आप क्यों अपने मित्र के विरुद्ध में बातें सुनने लगे? चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, चलिए हमारी बैलगाड़ी में चलिए। चलो। वाह प्रभु वाह, अब समझ में आई आपकी बात। मित्र पैदल यात्रा ना करे इसीलिए बहाने से बैलगाड़ी लेके पहुंच गए। रहे रहे याद सतावे हो रामा। एक पल चैन नावे हो रामा। अरे अरे देखिए, उठिए विप्रवर, देखिए आपका गांव आ गया। हाँ उठिए उठिए। अरे बड़ी जल्दी गांव आ गया। अरे ये तो मेरे हीरा मोती का कमाल है, रात भर हवा से बातें करते हुए आए विप्रवर। अच्छा विप्रवर अब आज्ञा दीजिए। जाना है बहुत दूर। ऐसा कैसे हो सकता है, चलो घर चलो, रात भर ठहरो फिर सुबह निकल जाना। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, अब तो मैं अपनी लक्ष्मी देवी से एक रात भी दूर नहीं रह सकता हूँ। अब तो आपको मुझे आज्ञा देनी ही पड़ेगी विप्रवर। अच्छा प्रणाम। खुश रहो। या हीरा मोती चलो। हा
किसने रास्ते में फूल बिछा दिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभु। द्वारिका जाते समय मैंने अपने बीवी बच्चे आप ही की शरण में दिए थे, वो सब सकुशल तो है ना प्रभु? मेरी वसुंधरा अच्छी तो है ना भगवान? आप आ गए स्वामी आप। अरे ये आप क्या कर रही हैं देवी? कौन है आप? स्वामी आपने मुझे नहीं पहचाना? अपनी दासी को आपको अवश्य धोखा हुआ है देवी। धोखा मुझे नहीं, आपको हुआ है। मैं आपकी पत्नी वसुंधरा हूं। वसुंधरा? ये कैसे हो सकता है देवी? स्वामी भ्रम न कीजिए, मैं ही आपकी पत्नी वसुंधरा हूं। मेरी वसुंधरा ऐसी नहीं हो सकती। हे ईश्वर, अब इन्हें कौन समझाएगा? सुदामा, 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 अरे मेरे मित्र सुदामा, तुम आ गए मेरे मित्र। मैं कितने दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था, और ये वसुंधरा भाभी भी तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। वसुंधरा भाभी? हाँ हाँ। देखिए ना देवर जी, ये मुझे पहचान ही नहीं रहे, आप ही इन्हें समझाइए ना। अरे अरे, तुमने भाभी जी को नहीं पहचाना? भाभी को नहीं पहचाना? अरे ये वसुंधरा भाभी ही है, तुम्हारी धर्म पत्नी। तुम्हें विश्वास नहीं होता ना? नहीं। ये तो सब माता लक्ष्मी का चमत्कार है, उन्होंने स्वयं प्रकट होकर भाभी को चिर यौवना का वरदान दिया है। माता लक्ष्मी जी ने वरदान दिया है? और अब तुम इन्हें आशीर्वाद दो। भाभी जी, अरे आप खड़ी खड़ी वहां क्या कर रही हैं? आइए, अरे इसके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। आइए आइए आइए।
भाग्यवती भव। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। अरे अरे, तुम्हारे जाने के बाद यहां कैसे कैसे चमत्कार हुए पूछो मत। अच्छा, और नहीं तो क्या। सबसे पहले यहां विश्वकर्मा पधारे। विश्वकर्मा? श्री कृष्ण ने उन्हें तुम्हारे घर को राजमहल में बदलने के लिए भेजा था। श्री कृष्ण? हाँ, पर भाभी जी ने आज्ञा नहीं दी। कहा कि मेरे स्वामी ने इस बस्ती के घर घर जाकर भिक्षा ली है, बड़े उपकार हैं सबके, इसलिए उन सबके घर टूटे फूटे रहे और केवल अपना घर राजमहल बने, यह इन्हें स्वीकार नहीं है। वाह वसुंधरा, वाह। तब श्री कृष्ण ने क्या किया पता है? हाँ? उन्होंने देव शिल्पी विश्वकर्मा को वृंदापुरी के हर घर को राजमहल में बदलने की आज्ञा दी। उधर देख, उधर बस्ती की ओर। हर घर राजमहल में बदल गया है, देख। हर घर राजमहल बन गया। हाँ हाँ, और वो तुम्हारा घर। सबसे बड़ा, सबसे वैभवशाली, श्री कृष्ण के राजमहल जैसा। श्री कृष्ण जैसा राजमहल? अरे अब वो महल कहाँ, मंदिर है मंदिर। माता लक्ष्मी ने अपने दिव्य चरण चिन्ह छोड़े हैं वहां पर। प्रभु, वाह प्रभु वाह, मेरे पीछे आप यहां लीलाएं दिखाते रहे और अपने मित्र को भनक भी नहीं लगने दिया। मैं मूर्ख ये समझ रहा था कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। क्षमा करना प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पर इसमें सब दोष मेरा नहीं है, वो मुरली मनोहर है ना, वो पता नहीं क्या नाप शनाप बक रहा था। प्रभु उसे भी क्षमा कर देना, वो क्या जाने आपकी अपार लीलाओं को। देवी, भक्तराज सुदामा के इस भोलेपन का तो स्वयं मैं भक्त हूं। और मैं भी। तो ये थी वसुंधरा और वृंदापुरी की काया पलटने की कथा। पर काया पलटने की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अच्छा, और किसकी काया पलटी है? देवर जी की। चक्रधर की? चक्रधर जी अब बदल गए हैं, इन्होंने राजा का गुणगान बंद कर दिया है। अच्छा, राजा ने इस पर इन्हें भी वही दंड दिया था
जो आपको दिया था। देवर जी भी केवल ईश्वर का ही गुणगान करते हैं। वाह वाह मित्र, वाह वाह मित्र, वाह। वाह मेरे चक्रधर, प्रभु मेरे ब्राह्मण मित्र का ये मनोपरिवर्तन मेरे लिए सबसे प्यारा है। चक्रधर को फिर से धर्म के मार्ग पर लाने का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु अब और कौन सा अचंभा, कौन सा चमत्कार बाकी है वो भी बता दो। धैर्य रखो सुदामा, अभी और भी चमत्कार बाकी हैं। जरा घर तक तो पहुंचो, फिर देखो क्या होता है। अरे सुदामा जी आ गए, सुदामा जी। अरे देखो सुदामा जी आ गए, सुदामा जी आ गए। अरे सुदामा जी आ गए, चलो जल्दी। महल तो महले बन गए
छट गई रे, अमावस की छट गई रे, हर आंगन की काया पलट गई रे, हर द्वारे से निर्धनता हट गई रे, सारी नगरी की काया पलट गई रे, सारी नगरी की काया पलट गई रे। कन्हैया धन्य कन्हैया, सुदामा धन्य सुदामा, कन्हैया धन्य कन्हैया, कन्हैया दीनों के दाता, खूब निभाया सुदामा से नाता, क्षमा करें भक्तराज, क्षमा करें। ये क्या राजन, आप एक गरीब की कुटिया पर इस तरह पधारे और सब नगर जनों के सामने पैर पकड़े, ये आपको शोभा नहीं देता। जिन चरणों की धूली से वृंदापुरी के भाग्य बदल गए, मैं उन्हीं की चरण धूली अपने माथे से लगाकर अपने भाग्य बदलना चाहता हूं। आपके प्रति मैंने जो अन्याय और अत्याचार किया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं राजन, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं देख रहा हूं आपके मन में पश्चाताप की अग्नि जल रही है। इस अग्नि में सारे पाप भस्म हो जाते हैं। आओ राजन, आओ। क्या राजन, आज से आप सुदामा नगर के राजा हैं? नहीं महाराज, ब्राह्मण का कर्तव्य राज करना नहीं है, बल्कि राजा को धर्म का मार्ग दिखाना है। यदि राजा भूल करे और गलत नीतियों को अपनाए तो उसे रोकना ब्राह्मण का धर्म है। ये राज्य आपका है, राज आप ही करेंगे, और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ही करेंगे।
ठीक है, आज से आप ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हम आपको आज ही से राजगुरु की पदवी देने की घोषणा करते हैं। बोलो राजगुरु सुदामा जी की जय। बोलो राजगुरु सुदामा जी की जय। बोलो राजगुरु सुदामा जी की जय। उठो राजन, कल्याण हो। मित्र, भाभी ने कहा था कि जब उनका ब्याह हुआ था तब तुम उनका हाथ पकड़कर जिस तरह से टूटे फूटे झोपड़े में लाए थे, उसी तरह जब तक उनका हाथ पकड़कर राजमहल में नहीं ले जाओगे तब तक वो राजमहल में नहीं जाएंगी। अपने नए घर में चलो। संकट मोचन, मुझे दर्शन चाहिए था, दर्शन मिला। वसुंधरा को धन चाहिए था, सो से धन मिला। मेरी आपसे सिर्फ एक विनती है, मेरे इस वैरागी मन को धन दौलत के लालच से बचाए रखना। मोह माया के चाल से
हमेशा बचा के रखना। मेरी आपसे केवल एक विनती है, अपने भक्त की अंतिम विनती को स्वीकार करना। प्रभु सुन रहे हैं ना, मेरी विनती को हाँ कह दीजिए, स्वीकार करो। तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जीवन में कभी भी तुम माया के दास नहीं बनोगे, बल्कि हमेशा माया तुम्हारी दासी बनकर रहेगी। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सेवा करेगी।